नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, गुजरात टूल रूम लिमिटेड ये कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए राइट इशू लेकर आ रही है, तो इस राइट इशू पर आपको जो है अपडेट दे देता हूँ। तो अगर हम इस राइट इशू का साइज देखें तो टोटल लगभग ये 6,11,08,960 शेयर्स का राइट इशू होने वाला है। अमाउंट वाइज देखें तो ये लगभग 48.89 करोड़ का जो है राइट इशू होगा। एंटाइटलमेंट्स का जो रेशो रखा गया है वो 11:10 का रखा गया है, तो इसका मतलब रिकॉर्ड डेट तक जिन भी शेयर धारकों के पास इसके शेयर होंगे उन्हें हर 10 शेयर पर 11 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे, यानी कि हर 10 शेयर पर वो 11 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो रखी है 5 जून 2024 की, और जो एक्स राइट डेट है वो भी 5 जून 2024 की ही है। तो इसका मतलब 5 जून से पहले जो भी इन्वेस्टर इसके शेयर खरीदते हैं या तो अभी भी खरीदे हुए हैं और रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करेंगे तो वो जो है इस राइट इशू के लिए एलिजिबल रहेंगे और उन्हें 11:10 के रेशो में राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे। इशू का जो प्राइस रखा गया है वो ₹8 पर राइट शेयर का रखा गया है। तो जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे इन राइट शेयर्स के लिए तो आपको ₹8 पर राइट शेयर्स की जो है पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं कि इशू ओपन कब होगा, तो इसकी जो ओपन की डेट रखी है वो है 14 जून 2024 की, और ये इशू क्लोज होगा 12 जुलाई 2024 को। तो ऐसे शेयरधारक जो कि एलिजिबल हैं राइट शेयर्स के लिए और वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो 14 जून से लेकर 12 जुलाई तक जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन एस्बा प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। वहाँ पर एस्बा का ऑप्शन आएगा और उस एस्बा ऑप्शन के में आपको जो है इस राइट इशू का अगर ऑप्शन है तो उस पर क्लिक के सारी डिटेल भर के जो है आप उन राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ₹8 पर राइट शेयर्स का जो है भुगतान करके। कुछ डीमेट अकाउंट होते हैं जो कि 3-in-1 होते हैं, तो जैसे कि ICICI डायरेक्ट, तो वहां से भी आप जो है डायरेक्ट जो है एसबा के थ्रू अब इन राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है फिजिकल ऑप्शन होता है कि आप किसी भी सेल्फ सर्टिफाइड बैंक जाके वहां पर फिजिकल एसबा का जो है फॉर्म भर के भी इन राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि 14 जून को जब ये राइट इशू ओपन होगा तो इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट होंगे इशू ओपन होने के कुछ दिन पहले, तो ये राइट शेयर नहीं है, इतना एंटाइटलमेंट्स है आपके पास राइट शेयर्स के लिए, आप जो है इतने राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट कुछ लोग इन्हें ही राइट शेयर समझ के बैठ जाते हैं, बट जैसे ही इशू क्लोज होगा तो ये राइट एंटाइटलमेंट्स जो है लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं और इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट कर लिए जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसीलिए जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ये इशू ओपन होने से, जब भी ये इशू ओपन होगा यानी कि 14 जून 2024 को, तो ये राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग इसलिए होती है कि ऐसे इन्वेस्टर जो अपना राइट एंटाइटलमेंट रिनाउंस करना चाहते हैं, यानी कि वो एप्लीकेशन नहीं करना चाहते, अपने राइट एंटाइटलमेंट रिनाउंस यानी कि सेल करना चाहते हैं, तो वो इन राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग के दौरान उन्हें सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ जो है एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस करना चाहते हैं अगर इन्वेस्टर्स, तो वो इस राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग के दौरान एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो ये राइट एंटाइटलमेंट्स की जो लास्ट डेट रहेगी ट्रेडिंग की वो रहेगी 8 जुलाई 2024 की। तो जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होंगे वो 14 जून 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक ट्रेड होंगे, मगर जो एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 12 जुलाई 2024 की। अब अगर हम इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देखें तो अभी इसने ₹20.33 पर क्लोजिंग दी है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, 5% के लोअर सर्किट पर ये क्लोज हुआ है। तो अगर इस प्राइस पर हम देखें, क्योंकि इशू का प्राइस ₹8 रखा गया है, तो अगर इस प्राइस पर देखें तो ₹12.33 का डिस्काउंट दिख रहा है, मगर एक्स राइट डेट को ये स्टॉक जो है एक्स राइट एज पर राइट रेशो इसका जो प्राइस है एडजस्ट होगा, तब हमें एक्चुअल जो है पता चलेगा कि कितने डिस्काउंट पर जो है ये राइट इशू आ रहा है। तो जब ये राइट इशू ओपन होगा तब इसके जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग के रिलेटेड और एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।